हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो गया ना। चलो ठीक है बच्चों, आज चैप्टर नंबर 5 जो आपका है ये क्लास 8th का, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, हम लोग इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं। जो पुराने लेक्चर्स रुके हैं वो ऑलरेडी शायद पंकज सर ने ख़त्म कर रखे थे, तो बच्चों इसी वजह से मैं चैप्टर नंबर 5 पर आ रहा हूँ। ये भी पता नहीं हो रखा है या नहीं, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज इसे, हम सब साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। ठीक है चलो बच्चों, तो अब देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। कोल एंड पेट्रोलियम तक पूरा सफ़र हमने करना है, हम सब एक साथ यहाँ पर सफ़र में रहेंगे, है ना, पूरा सफ़र साथ देंगे एक दूसरे का। चलो ठीक है देखते हैं, कह रहे हैं इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। गलत बात है नहीं ना, कह रहे हैं अपने डेली की लाइफ में हम लोग डेली जो हमारी ज़िंदगी बीतती है इसमें बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर आर मैन मेड। जी ये भी तो बहुत सही बात है सर, आप नया कुछ नहीं बता रहे, ये तो सब सही बात है जो हमारे इन्वायरमेंट में। रुक जाओ चलने दो चैप्टर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ तो हमें नेचुरली मिलते हैं और कुछ हमें मैन मेड जो सब्सटेंस होते हैं इनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जी बिल्कुल सही है। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जो चीज़ें हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं वो उन चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेस कहेंगे। अच्छा ठीक है सर, कह दिया। फिर आगे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे एक तरफ देखें, जैसे हैंड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव ईटीसी आर ऑल मैन मेड मटेरियल। सही बात है, ये हमें नेचुरल नहीं मिलते, इन्हें बनाना पड़ता है इंसान को थ्रो, इसलिए इन्हें कहा गया है मैन मेड मटेरियल्स। चलिए ठीक है सर, ये अगला टॉपिक आ रहा है इनएक्सहॉस्टिबल एंड एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। सर ये चीज़ क्या है? चलिए आइए साथ साथ चलेंगे ना, कहा है पहले से ही साथ साथ चलना है। तो कह रहे हैं कि एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्सेस। सर रिसोर्सेस क्या है? तो हम एनवायरनमेंट में जिस भी चीज़ को यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेस कहलाती हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। कह रहे हैं कि सभी नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर रहे हैं। अच्छा सर कौन कौन से मेन ग्रुप में? रुके रहिए देखिए, पहला आ रहा है यहाँ पर द टर्म इनएक्सटिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली। ऐसे चीज़ें जिनका यूज पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनएक्सहॉस्टिबल, है ना, उन्हें हम इनएक्सहॉस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। कह रहे हैं दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर, है ना। कह रहे हैं कि ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी नहीं ख़त्म किया जा सकता उन्हें हम बोलते हैं इनएक्सहॉस्टिबल, है ना। जो सब्सटेंसेस पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा हायर अमाउंट में अनलिमिटेड अमाउंट में है जिन्हें इंसानों के एक्टिविटीज जैसे लकड़ी काट करके खिड़की पे लगवा लेना, एयर का यूज करना, तो ऐसे ऐसे चीज़ें कह रहे हैं कि जिनका यूज इंसान करता रहे और वो ख़त्म ना हो उन्हें हम बोलते हैं इनएक्सहॉस्टिबल। चलो ठीक है, द एग्जांपल ऑफ इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस आर सनलाइट, ख़त्म कर सकोगे? कर लेना। एयर ख़त्म कर लोगे? जी बिल्कुल नहीं। एंड वाटर, देयर इज नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज इन नेचर, इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इनका यूज हम बार बार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दे लॉस्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए हैं। चलो आगे देखते हैं, द टर्म एक्सहॉस्टिबल, है ना, मीन्स समथिंग विच कैन बी यूज अप कम्प्लीटली। कह रहे हैं इसका यूज उन सब्सटेंसेस, उन रिसोर्सेस के लिए किया जाता है जिनका यूज हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सो दैट नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, इनका यूज करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे चीज़ें जिनका यूज करने के बाद हमें कुछ ना मिले, जी बिल्कुल।
दोज रिसोर्सेज विच आर प्रजेंट इन लिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर, कह रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या है विच आर प्रजेंट इन ए लिमिटेड क्वान्टिटी, जो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वान्टिटी में प्रजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैन बी एक्सहॉस्टेड बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू नष्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उन्हें हम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फिर कह रहे हैं द एक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट लॉस्ट फॉर एवर, यह हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम एक्सेस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हमें ऐसे ही टाइप्स के एक्सेस्टिबल नेचुरल सोर्स को पढ़ना है, जैसे कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। कह रहे हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल, है ना, नॉन माने नहीं, री माने दोबारा से, न्यू माने नए के जैसा, बनाने में समर्थ, एबल माने समर्थ, तो ऐसी चीज़ें इन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें हम दोबारा से बनाने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे टाइप्स को हम बोलते हैं, ऐसे टाइप्स के एनर्जी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं ये, जिनका यूज हम दोबारा से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन ऑल द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट अंडर द अर्थ विल गेट यूज्ड अप, नो मोर सप्लाई ऑफ दीज फ्यूल्स विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। कह रहे हैं कि हम इनका यूज क्यों कर पा रहे हैं, कोल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस हमें मिलते कहाँ से हैं, ये सब क्या है, हज़ारों साल से दबे हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स थे ना, पेड़ ओड़ भी जितने भी थे, ये सब नीचे में दब गए थे और उन्हीं को निकाल निकाल करके हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो जब वो नीचे से ख़त्म हो जाएंगे तो हमें ये फ्यूचर में आगे और नहीं अवेलेबल होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये ख़त्म होने वाली भी चीज़ें हैं। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉजिल, कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले हमें इस फॉजिल जो ये शब्द है इसका मीनिंग समझना होगा। फॉजिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ साल पहले से जो भी चीज़ें पृथ्वी के नीचे दब गई हैं, हमारे ज़मीन के अंदर दब गई हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, तो उनकी बचे हुए अवशेषों को हम क्या बोलते हैं, फॉजल्स बोलते हैं। ठीक है, उनकी बची हुई जो भी चीज़ें हैं जिनसे आज हमें ये सब पेट्रोल कोल मिल रहा है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फॉजल्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कह रहा हूँ, क्या बात है सर, है ना, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो इसी के बारे में थोड़ा आप डिटेल पढ़ना है, क्या है ये, कह रहे हैं कि द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल फॉर्म्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, कह रहे हैं ऐसी नेचुरल फ्यूल्स जो कि हमें बहुत सालों से पहले अर्थ के नीचे दबी हुई चीज़ों से, लिविंग ऑर्गेनिम्स से दबी हुई चीज़ों से हमें मिलते हैं, मतलब कहने के फिर से बताता हूँ, कह रहे हैं कि हजारों सालों से पृथ्वी के अंदर दबी हुई जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं इनसे मिलने वाले नेचुरल फ्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल्स फ्यूल, ये क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर called fossil fuel because they were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals buried under the earth long long ago। कह रहे हैं कि कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस ये इन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे प्री हिस्टोरिक मतलब पुराने हिस्टोरिकल समय में, यानी जितनी भी चीज़ें थी पुराने समय की वो सारी पृथ्वी के नीचे जो है दब गई, है ना, लिविंग ऑर्गेनिम्स
चीज़ें का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, वो सारे बहुत सौ साल पहले है ना पृथ्वी के नीचे दब गई हैं, है ना, जिनका ही यूज आज हम कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे पहले, बहुत साल पहले से वो पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, उन्हीं का यूज आज हम कर रहे हैं, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल आर एक्सेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज वंस ऑल द फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड अप दे विल बी गॉन फॉरएवर। कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, एग्जिस्टिबल नेचुरल सोर्स में इसलिए काउंट किए जाते हैं, इसलिए इनकी गणना इसमें करी जाती है, क्योंकि अगर ये एक बार यूज कर लिया गया तो ये दोबारा से हमें नहीं मिलेगा। गाड़ी में पेट्रोल डला करके आप यूज करते हो, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म, धुआं बन करके, क्या आप उस धुएँ का फर्दर यूज कर सकते हो? आंसर है नहीं। अगर आंसर है नहीं तो इसीलिए हम क्या इसे बोलते हैं, एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा से नहीं मिलता है। फिर आती है बात, हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड, कैसे मिलता है। देखिए वही चीज़ बार बार बात घुमाए हैं, देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मिलियंस ऑफ साल पहले से पृथ्वी के नीचे बहुत सारी चीज़ें दब गई थी, प्लांट और एनिमल्स, उन्हीं के अवशेषों से मिलने वाली चीज़ों जो होती हैं उन्हें ही हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दिस हैपन एज फॉलोज, कह रहे हैं ऐसा इस तरीके से होता है, द प्लांट एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल मर चुके थे, वर ग्रेजुअली बरीड डीप इन द अर्थ, वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर जाते चले गए, एंड गो कवर्ड विथ सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड, है ना, और फिर उसे बाद में उसके ऊपर अर्थ के नीचे धीरे धीरे घुसते चले गए। इसका कहने का मतलब है कि उसके ऊपर क्या हो गया, सेडिमेंट जैसे मड या फिर सैंड, मिट्टी आता चला गया। फिर कह रहे हैं अवे फ्रॉम द रीच ऑफ एयर, है ना, कह रहे हैं कि वो एयर के संपर्क से टूट गया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर द केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहे हैं कि जब एयर का कॉन्टैक्ट उसे नहीं मिला तो उस पर बहुत सारे केमिकल इफेक्ट होने लगे, जैसे हीट प्रेशर और बैक्टीरिया उस पर क्या करने लगे, अपना इफेक्ट कर करके उसको कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के उस बचे हुए पार्ट को उन्होंने बाद में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्लीज नोट दैट द बरीड रिमेन्स ऑफ अ लार्ज लैंड प्लांट्स वर कवर्ड इन टू ए कोल, वेयर एज दोज ऑफ टिनी मरीन प्लांट्स आर ऑलवेज वर कवर्ड कन्वर्टेड इन टू पेट्रोलियम एंड गैस। कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज लैंड्स वर कन्वर्टेड इंटू कोल। कह रहे हैं कि बड़ा सा जगह में ये सब क्या होता है, कोल में इसे कन्वर्ट किया जाता है, वेयर एज दोज ऑफ टिनी मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जो थोड़े से मैरीन प्लांट्स हैं बचे हुए और एनिमल्स हैं, उन्हें हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए यहीं तक टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कोल क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।